आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, कई लोग इस मार्केट में हेज पोजीशन के साथ ट्रेड करते हैं, यानी दो पोजीशन एक साथ क्रिएट करते हैं। अब चाहे वो फ्यूचर के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन हो या ऑप्शन के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन हो, अलग अलग तरीके से यहाँ हेज पोजीशन क्रिएट की जाती है, अलग अलग मार्केट के सिनारियों को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो यहाँ पर मैं एक स्प्रेड हेज पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। निफ्टी 10,000 के लेवल पे चल रहा है, मुझे लगता है मार्केट में एक तेजी आएगी, इस महीने मार्केट ऊपर जाएगा। तो 10,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मैंने देखा कि भाई 100 रुपये का चल रहा है, उस कॉल को मैंने 100 रुपये पे खरीद लिया। अब यहाँ पर पूरे 100 पॉइंट की रिस्क हो गई। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो भी राउंड फिगर में है, मान लो 10,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 50 रुपये का चल रहा है, उसे मैंने 50 रुपये में शॉर्ट कर दिया। ये एक स्प्रेड पोजीशन मैंने इस मार्केट में क्रिएट करी। अब यहाँ पर ये पोजीशन क्रिएट करी तब मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं हर बार सही हो जाऊँ ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मान लो मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया, मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इस हेज पोजीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरा रहेगा वो एक 50 पॉइंट का रहेगा और मैक्सिमम लॉस जो मेरा रहेगा वो एक 50 पॉइंट का रहेगा। यानी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 निकल के आ रहा है। अब मान लो यहाँ पर मेरी पोजीशन क्रिएट करी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया, मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया। तो यहाँ पर अब क्या मुझे करना चाहिए? तो यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया। जब मैंने ये पोजीशन क्रिएट करी थी उस समय मार्केट का सिनारियो काफ़ी अच्छे थे, मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा था, लेकिन 3-4 दिन बाद सडनली ऐसा कुछ हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, मार्केट का सिनारियो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया। तो यहाँ पर अगर हमें लगे कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, तो यहाँ जितनी जल्दी हम उस ट्रेन से उतर जाते हैं उतना ज़्यादा हम पीछे जाने से बच जाते हैं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ मार्केट ऊपर जाने की जगह नीचे जाने लगा, जो 100 रुपये का कॉल मैंने खरीदा था उसकी वैल्यू गिर के 70 रुपये की हो गई। लेकिन यहाँ पर यह भी देखता हूँ मैं कि उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल मैंने 50 रुपये में बेचा था उसकी भी वैल्यू डेफिनेटली गिरेगी। मान लो उसकी वैल्यू यहाँ 20 पॉइंट गिरी, वो यहाँ पर 50 से गिर के 30 रुपये का हो गया। अब यहाँ पर वो अगला स्ट्राइक प्राइस का है तो उसमें तो और जल्दी प्रीमियम कम होना चाहिए। अब ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ ओवरऑल मुझे एक 10 पॉइंट का लॉस लग रहा है, जो खरीदा उसमें 30 पॉइंट का लॉस लग रहा है, लेकिन जो मैंने बेचा है उसमें मुझे 20 पॉइंट का गेन हो रहा है, ओवरऑल मुझे 10 पॉइंट का लॉस लग रहा है। अब इस हैज में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा था 1:1, यानी 50 रुपये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था, 50 रुपये मेरा मैक्सिमम लॉस था। लेकिन बीच में ही मुझे लगा कि मेरा ट्रेड गलत हो चुका है, मार्केट ने डायरेक्शन बदल दिया है, तो अब इस पोजीशन में एक 10 पॉइंट के लॉस के साथ मैं एग्जिट हो जाऊं वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस तरीके से एक 10 पॉइंट के लॉस के साथ मैं एग्जिट हो गया। अगला फिर मैंने कोई हेज पोजीशन क्रिएट करा, फिर मैं गलत हो गया, फिर 10 पॉइंट के लॉस के साथ एग्जिट हो गया, फिर मैंने कोई हेज पोजीशन क्रिएट करी, थर्ड टाइम में सही हो गया। अब थर्ड टाइम में सही हो गया तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आता वो 50 पॉइंट का आता, यानी एक 33% की एक्यूरेसी लाने के बाद भी यहाँ पर अगर मैं टाइमली एग्जिट कर जाता हूँ बजाय एक्सपायरी डेट तक इंतज़ार करने के, यहाँ पर मैं टाइमली एग्जिट कर जाता हूँ, मैंने कोई पोजीशन क्रिएट करी थी, हर पोजीशन मेरी सही नहीं हो सकती, ठीक है मेरी पोजीशन गलत हो गई, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, मैं एग्जिट हो गया, यहाँ मैंने किसी भी तरीके का लास्ट डे तक इंतज़ार नहीं करा, जो मुझे एक नॉमिनल लॉस लगा वो मैंने बुक करा और यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया। तो यहाँ पर एक बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, मुझे पता चल गया मैं गलत हो चुका हूँ, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, फिर भी किसी अनहोनी के चक्कर में मैं पोजीशन को एक्सपायरी डेट तक होल्ड करूँ तो यहाँ पर पूरा एक 50 रुपये का 50 पॉइंट का मुझे कैपिटल लॉस लगेगा। उसके बजाय अगर मैं गलत हो गया, मुझे पता चल गया डायरेक्शन चेंज हो चुका है,
तो मैं एक नॉमिनल लॉस में बाहर हो गया, और जो मैंने कैपिटल बचाई, जो 40 पॉइंट मैंने सेव कर लिए, जो और लग सकते थे मुझे, वो 40 पॉइंट की रिस्क मैं अगले ट्रेड में उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाला छोड़ देता है। हम हैज पोजीशन क्रिएट करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा कैपिटल अर्निंग होगी, लेकिन कई बार हमारा ट्रेड गलत हो जाता है, हमारा प्रिडिक्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी एक नॉमिनल लॉस लगे, उस नॉमिनल लॉस को बियर करके हमें बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल लॉस जो होता है वो कभी भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। और किसी भी अगर सिंगल ट्रेड में हमने कोई बड़ा कैपिटल लॉस कर लिया, तो उसके बाद हम जो भी सही ट्रेड करेंगे उसमें हमें एक डर लगेगा, उस ट्रेड को हम लास्ट तक होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पास्ट में एक बड़ा कैपिटल लॉस किसी भी सिंगल ट्रेड में कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।